दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं या आज का हमारा जो मुद्दा है, हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि मीडिया में ये खबर बहुत तेजी से चल रही है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने से क्यों चूका और उसका सारा दोष बसपा सुप्रीमो मायावती के सिर मंडा जा रहा है। कई आंकड़े बताए गए हैं कि 16 सीट तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे तौर पर मायावती के उम्मीदवारों के कारण हारा, चूंकि जो इन 16 सीटों पर बसपा के उम्मीदवार थे वो इतने ज्यादा वोट लेकर चले गए जो इंडिया गठबंधन और भाजपा के उम्मीदवारों की हार से बहुत ज्यादा थे और उनमें बहुत फर्क था। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो ये 16 सीटें तो इंडिया को मिलती ही, लेकिन दर्जनों और सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती। यानी यदि कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों चुनावी गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में लड़ते तो इंडिया गठबंधन को 70 से ऊपर सीटें आ सकती थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और हां, कि यदि ऐसा हो जाता तो निश्चित तौर पर भाजपा तीसरी बार सत्ता में ना लौटती और इंडिया गठबंधन की सरकार बन। लेकिन दोस्तों, एक दूसरा पक्ष भी इस कहानी का सामने आया है जिसकी चर्चा मीडिया में बहुत हो रही है। और वो क्या चर्चा है? सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है वो क्या है? वो ये है कि मायावती तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल कई लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया और मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई। इसलिए इंडिया गठबंधन इस बार सत्ता में आने से चूक गया और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी फिर पीएम बने और भाजपा या कह लीजिए एनडीए सत्ता में आ गया। तो उत्तर प्रदेश के एक बसपा नेता विजय गौतम और कई बसपा के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत हुई तो उनका दावा है कि जब मायावती से ये पूछा गया था कि क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, विपक्षी खेमे में जा सकती हैं, तो उन्होंने मीडिया में वाइट दिया था जिसमें उन्होंने, यानी मायावती ने बोला था कि राष्ट्रहित के मुद्दे पर कब किसको किसके साथ जाना पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। अर्थात इशारों इशारों में मायावती जी ने इंडिया गठबंधन में जाने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन पेच अड़ा तो कहां अड़ा। तो दोस्तों, इन बसपा नेताओं का दावा है कि जैसे ही
बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चा हुई और मायावती जी ने संकेत दिया था इंडिया गठबंधन में वो जा सकती हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। उसी दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव ने पत्रकारों से झल्लाते हुए कहा था कि छोड़ो मायावती वायावती को, और ये दावा ये भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी कहा था कि भाई मायावती की गारंटी कौन लेगा। फिर ये बसपा नेता आगे कहते हैं कि भाई आपने क्या नीतीश कुमार से गारंटी ली थी जब उन्होंने इंडिया गठबंधन तैयार किया था, बड़ी भूमिका थी और वो इंडिया गठबंधन में आए थे, लेकिन वो कई कारणों के चलते जो सर्वविदित हैं वापिस भाजपा खेमे में चले गए। ये भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते थे कि बिना बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल किए इंडिया गठबंधन की बात नहीं बन सकती, इंडिया गठबंधन शामिल नहीं हो सकता। तो बसपा नेता दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन को छोड़कर भाजपा में मजबूरी में जाना था और वो दिल से नहीं गए थे। जिस गठबंधन को उन्होंने बनाया था और वो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाकर सत्ता में लाना चाहते थे, लेकिन लोग नीतीश कुमार जी की ही टांगे खींच रहे थे। और इनका दावा है कि राजद ने भी बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की सपोर्ट नहीं की थी, यानी इनकार किया था। कहने को तो इन बसपा नेताओं का यह भी कहना है कि चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया गया जबकि वो शामिल होना चाहते थे। क्या जीतन राम मांझी को शामिल करने का प्रयास किया गया जो दलित नेता थे? क्या चिराग पासवान को शामिल करने के प्रयास किया गया कि भाई वो भी दलित थे और उनको इंडिया गठबंधन में लाने के प्रयास क्यों नहीं किए गए? यानी इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन दलितों को, दलित नेताओं को इंडिया गठबंधन से जोड़ना नहीं चाहता था। और ये बसपा नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि यदि इंडिया गठबंधन के नेताओं की नीयत साफ होती तो रामगोपाल ऐसा बयान ना देते। चूंकि गारंटी तो किसी भी नेता की या पार्टी की नहीं होती कि भविष्य में वो कब पलटी मारेगा, वो कहां जा सकता है, और जितने भी नेताओं के नाम गिनाए हैं गारंटी किसी की भी नहीं है। गारंटी तो आज भी नहीं है जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, कौन कब तक इंडिया गठबंधन में शामिल रहेगा या कौन नया नेता या दल इंडिया गठबंधन में शामिल होगा, तो गारंटी राजनीति में इस तरीके की नहीं होती। तो फिर मायावती से ही गारंटी क्यों मांगी गई? तो मायावती का अपमान किया गया जब मायावती ने अपना मन बना लिया था कि वो देश हित में कई कुछ मामले होते हैं जिनके चलते कई बड़े फैसले लेने होते हैं, तो उन्होंने ये इशारा किया था, तो उसके बावजूद राम गोपाल ने टंगड़ी क्यों मारी? कांग्रेस चाहती थी कि बसपा इंडिया गठबंधन में आए, लेकिन ये दलित नेता, बसपा नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस भी ये चाहती थी कि केवल उत्तर प्रदेश में ही बसपा का इंडिया गठबंधन से गठबंधन हो,
यानी चूंकि बसपा एक ताकत है उत्तर प्रदेश में, केवल कांग्रेस यहीं पर समझौता करना चाहती थी, जबकि सब जानते हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, 26 राज्यों में वो चुनाव लड़ती है। तो बसपा चाहती थी कि यदि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन चुनावी गठबंधन करना चाहता है या कांग्रेस चाहती है तो वो समझौता राष्ट्रीय स्तर पर हो और हमें उत्तर प्रदेश के अलावा भी सीटें दी जाएं तो हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि पर्दे के पीछे कांग्रेस और बसपा नेताओं की बातें चल रही थी, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि बसपा नेताओं का ये दावा कि हम चाहते थे कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन खुद इंडिया गठबंधन के कई नेताओं की ये इच्छा नहीं थी कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, और ये दावा ये नेता कर रहे हैं। यदि सम्मान के साथ बसपा को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाता और बसपा को उत्तर प्रदेश से बाहर भी इंडिया गठबंधन सीटें देता तो बसपा सुप्रीमो अवश्य इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती, और आज देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये बसपा नेता दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन स्वयं अपने गलत फैसलों से सत्ता से चूक गया, और यदि बसपा को सम्मान के साथ या अन्य बसपा नेताओं को सम्मान के साथ इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ा जाता, प्रकाश अम्बेडकर को भी इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ा जाता, और जैसे कि हमने पहले कहा कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान या जो भी जितने चंद्रशेखर आजाद, ये सब कई नेता थे दलितों के जो आज भाजपा के साथ हैं, जो वो दिल से नहीं चाहते, लेकिन चूंकि इन दलित पार्टियों को या इन दलित नेताओं को गंभीरता से नहीं लिया गया, और यदि इंडिया गठबंधन के नेता इन सब को संपर्क करते और सब एक साथ एक मन बनाकर इनको इंडिया गठबंधन में लाने का प्रयास करते तो ये सारे नेता इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते थे, बसपा भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती थी। लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को दलितों का उभार पसंद नहीं था, उनको शामिल करने का उनकी दिली इच्छा नहीं थी, इसीलिए इंडिया गठबंधन सत्ता से दूर रह गया। यदि ये दलित नेता और बसपा जुड़ते तो आज इंडिया गठबंधन का कोई नेता देश का प्रधानमंत्री होता। इसके लिए बसपा पर या बसपा बहन मायावती पर, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पर आरोप लगाना गलत है, और इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए कि उनकी गलतियों की वजह से बसपा और अन्य दलित नेता गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सके, और इसलिए आज इंडिया गठबंधन सत्ता से बाहर रह गया। जबकि यदि ऐसा होता, इंडिया गठबंधन की नीयत पाक साफ होती तो इंडिया गठबंधन आज सत्ता में होता। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि जो बसपा नेताओं ने दावा किया है कि
हम पर आरोप लगाना गलत है, बहन मायावती पर आरोप लगाना गलत है, इंडिया गठबंधन अपनी गलतियों के चलते सत्ता से चूक गया। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं फिर नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।